पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर उनके अनुयायी अलग अलग स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर अपने नेता को याद करेंगे। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि 6 अप्रैल को है। इसके लिए जननायक सेवा दल के सदस्य 5 अप्रैल को नई दिल्ली हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर लगी देवीलाल की प्रतिमाओं की साफ सफाई करेंगे और गंगा जल से धोएंगे। जननायक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश डागर ने बताया कि नई दिल्ली में जननायक सेवा दल के सदस्य व उनके अनुयायी राजघाट स्थित संघर्ष स्थल पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान व अन्य स्थानों पर कार्यकर्ता जिला स्तर पर 6 अप्रैल को श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन करेंगे। देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन यज्ञ का आयोजन होगा। दिनेश डागर ने कहा कि जननायक स्वर्गीय देवीलाल ने प्रदेश में सबको साथ लेकर हर वर्ग के हित में काम करने की सोच को आगे बढ़ाते हुए एक नए राजनीतिक युग का सूत्रपात किया है। उनकी नीतियों और सोच के चलते वे पूरे देश के लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। देश भर में लोग उन्हें किसान, मजदूर व कमेरे वर्ग के मसीहा के रूप में याद करते हैं। सत्ता में रहते हुए उनके द्वारा लागू की गई नीतियों को पूरे देश में उनका अनुसरण किया गया। देश के पहले नेता थे जिन्हें भारत जैसे देश में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा की नींव रखते हुए सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन लागू की। इस पेंशन स्कीम को बाद में पूरे भारत में विभिन्न प्रदेशों में लागू किया गया। राजनीति में जननायक की त्याग की भावना की जननायक मिसाल बने थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद का ताज सौंप दिया था। सियासत में त्याग के ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं और उनका उदाहरण